हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। यह है 43 वीडियो ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में, जिनको आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा टाइप डेफ कीवर्ड के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है टाइप डेफिनेशन। टाइप डेफिनेशन का मेनली यूज़ आता है तब जब अपन को एक वेरिएबल बहुत बार यूज़ करना हो उसी डेटा टाइप का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक वेरिएबल हमें बहुत बार यूज़ करना हो उसी डेटा टाइप का। तो मैं सबसे पहले एक प्रोग्राम से आपको ये समझा देता हूँ। टाइप डी एफ ये कीवर्ड है, मैंने आपको बताया, जैसे कि टाइप डी एफ इंटीजर टाइप का मैं ले लेता हूँ एक पॉजिटिव नंबर, टाइप मैं ले लेता हूँ एक डबल टाइप का डेसिमल नंबर, टाइप और एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ सेंटेंस टाइप की। मैं आपको याद दिला दूँ, स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच जोड़ना ज़रूरी पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट एच। ये मैंने तीन टाइप ले लिए, और टाइप डी एफ से अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब आप जो पॉजिटिव, डेसिमल और सेंटेंस है, पॉजिटिव को एज अ इंटीजर, डेसिमल को एज अ डबल और सेंटेंस को एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सॉरी, पॉजिटिव एन इक्वल्स टू, मैं दे देता हूँ 23, फिर मैं डेसिमल डी इज इक्वल टू दे, मैं दे देता हूँ 24.6 एन। मैं स्ट्रिंग जो कि सेंटेंस नाम से मैंने ऊपर डिक्लेयर करी थी उसको मैं दे देता हूँ अनविथ एंड अपूर्व। पॉजिटिव, डेसिमल एंड सेंटेंस ये तीन ले लिए मैंने, तो मैं इन सबको प्रिंट करवा देता हूँ। सी आउट किसी नाम से भी प्रिंट करा सकता हूँ मैं, एन एंडल सी आउट डी एंडल सी आउट एस एंडल। तो ये था आपका प्रोग्राम। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ क्या हुआ इस प्रोग्राम में। देखिए, तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो गया 23, 24.6 एंड अनविथ एंड अपूर्व। तो ये क्या हुआ कि पॉजिटिव नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया मैंने, डेसिमल नाम का एक वेरिएबल बना दिया डबल टाइप का, और सेंटेंस वेरिएबल बना दिया मैंने स्ट्रिंग टाइप का। टाइप डेफिनेशन के वजह से जो प्रॉपर्टी इंटीजर फॉलो करता है वो पॉजिटिव फॉलो करेगा। अब मेरे को जैसे कि और नंबर प्रिंट करने हो, पॉजिटिव n1, तो पॉजिटिव देकर मेरे को इंडिकेट भी हो जाएगा कि पॉजिटिव नंबर देना है, तो मैं उसको भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं दे दूँ n1 भी देता हूँ, एंडल। तो ये देखिए, तो मैं पॉजिटिव टाइप का भी ले लूँ तो 45 भी प्रिंट हो गए। तो अपन को अब बार बार इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना पॉजिटिव से नाम पता चल जाएगा। अपन को पॉजिटिव को एज अ इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल को एज अ डबल और सेंटेंस को एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। तो ये था टाइप डेफिनेशन का यूज़। आगे आपको इसका यूज़ आएगा, मैंने इसलिए बता दिया।
अब मैं एक और चीज़ इसी प्रोग्राम के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ, उसका मतलब है टाइप आईडी। टाइप आईडी क्या करता है, आपको ये इंडिकेट करता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। अब जैसे मैंने टाइप डेफिनेशन बता दिया आपको, तो एन है, अब एन मैंने पॉजिटिव टाइप का दिया है। अब अगर आप भूल गए कि किस तरीके का पॉजिटिव टाइप मैंने ऊपर डिफाइन किया था प्रोग्राम में, छोटा प्रोग्राम में तो क्लियरली दिख जाएगा, पर कोई बड़े प्रोग्राम में तो आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। तो आप इसका आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर सी आउट करवाइए टाइप आईडी, ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, जैसे एन के बारे में चाहिए, तो एन डॉट नेम फंक्शन, बस आपको ये प्रिंट करवाना है और ऊपर एक हेडर फाइल देनी पड़ेगी उसके लिए, हैश इंक्लूड टाइप इन्फो नाम की एक आईडी लेनी पड़ेगी, और टाइप आईडी एन से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आई प्रिंट होकर आया है, आई का मतलब है इंटीजर टाइप का है। ऐसे ही इस एन की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, एस रख दीजिए, तो एस एस लिख कर आएगा, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग, एस एस का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो ये था कुछ शॉर्ट फॉर्म जिससे आपकी टाइप आईडी पता चल जाती है किस तरीके से वो यूज़ होता है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको समझाया टाइप डेफिनेशन और टाइप आईडी के बारे में, ये दो एक नए दो कीवर्ड्स है जो किसी प्लस प्लस में काफ़ी यूज़ होते हैं। थैंक यू। अब अगले वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा क्वेश्चंस, तो उनको आप प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ जितने पहले के लेक्चर्स हैं उनके बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को भी मैंने इंक्लूड करके वो क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उनको पढ़िए और सॉल्व करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।